जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल के विषय में। हम समझेंगे कि किसी भी बिजनेस के अंदर पेरोल क्या होता है, किन लोगों को ये पेरोल दिया जाता है, कब दिया जाता है और कितना दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये पेरोल का जो कॉन्सेप्ट है किसी भी बिजनेस का वो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये पेरोल का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी जो बिजनेस होता है उसके अंदर कर्मचारी काम करते हैं, और जब वो काम करते हैं तो वो काम करते हैं सैलरी के लिए, वेजेस के लिए। इसके साथ इनको मिलते हैं बोनस, रिटायरमेंट स्कीम्स, और यहाँ पर कई बार इनको अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी आपको मैंने पेमेंट्स बताए, जिनमें सैलरी, वेजेस, रिटायरमेंट स्कीम्स होती हैं, आपकी जो बोनस हो गया, आपके अलाउंसेस हो गए, जब ये किसी कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाते हैं एक पूरे प्रोसेस के जरिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरोल। यानी कि पेरोल एक ऐसा प्रोसेस है किसी भी बिजनेस का, जिसके अंदर वो अपने कर्मचारियों को, जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी या उनके वेजेस, उनके बोनस या रिटायरमेंट पेमेंट्स और जो अलाउंसेस हैं वो पेमेंट करते हैं एक पूरे कंप्लीट प्रोसेस के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या प्रोसेस होता है, जब पैसा पेमेंट करना है तो इसमें क्या प्रोसेस लगाना। तो आप छोटे लेवल पर सोच रहे हैं, आप जरा सोच के देखिए कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, जैसे इंडियन रेलवे हो गया, इनके पास लाखों की तादाद में एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो अब इनको कैसे पता चलेगा कि कौन से एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, उसको कितना बोनस देना है, या किसी एम्प्लॉय को कितना वेज देना है। तो इसी प्रोसेस के जरिए यह डिफाइन किया जाता है कि कंपनी के किस एम्प्लॉय को कितना पेमेंट जाएगा और वो किस रूप में जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पेरोल सिस्टम है ये यही काम करता है। सबसे पहले इसमें कई हिस्से होते हैं, पेरोल में कई स्टेप्स होते हैं जिनके जरिए यह पूरा प्रोसेस बनता है। जैसे कि नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ एम्प्लॉयज, वेदर इट इज ओल्ड और न्यू एम्प्लॉय, यानी कि कोई भी जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं सबसे पहले उनकी काउंटिंग होती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने टोटल काम कर रहे हैं, वर्कर कितने हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितना स्टाफ है, तो उनकी काउंटिंग होना जरूरी है। तो पहला स्टेप यही होता है। दूसरा होता है उनकी जो पेबल पेमेंट्स हैं, यानी कि इन एम्प्लॉयज की जो सैलरी निकलती है, जो बोनस निकलता है, जो उनके अलाउंसेस निकलती हैं, उनकी कैलकुलेशन करना, उनकी अकाउंटिंग करना कि उनको कितना पेमेंट्स देने का बनता है, कितना उन्होंने काम किया है जिसके बदले उनको सैलरी दी जाएगी। तीसरा स्टेप यहाँ होता है कि उनकी जो सैलरी निकाली गई है उस पर अगर कोई टैक्स है, कोई डिडक्शन है, तो उस डिडक्शन को पता करना कि उनको कोई सैलरी पर टैक्स देना है, कोई उनको अपना रिटायरमेंट स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन करना है, किसी इंश्योरेंस का उनको कंट्रीब्यूशन करना है, तो उनकी सैलरी से अगर ये कुछ भी कटना है पैसा, तो ये यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद चौथा जो स्टेप है वो यहाँ पर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरीज, यानी कि जो फाइनल पेमेंट निकलती है एम्प्लॉयज की, उनकी उस पेमेंट को उनके अकाउंट तक भेजना विद सैलरी स्लिप कि हमने इतना पेमेंट आपको कंपनी के थ्रू किया और वो आपकी सैलरी स्लिप है। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट्स, यानी कि जो पेमेंट्स हुई हैं, जो सैलरीज पेमेंट हुई हैं, उनकी पूरी प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखना, ताकि अगर फ्यूचर में किसी एजेंसी को या गवर्नमेंट को अगर दिखाना भी पड़े बिजनेस को, तो वो दिखा सकें कि हमने अपने एम्प्लॉयज को टाइम पर वो पेमेंट्स किए, वो सारा पैसा उनको दिया जो उनको देने का बनता था। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें मैंने आपको जो अलग अलग स्टेप्स बताए हैं, इन सभी स्टेप्स को मिलाकर बनता है ये पेरोल प्रोसेस, जिसको हम शॉर्ट में पेरोल के नाम से जानते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो यही पेरोल होता है, उसके कर्मचारियों को उनको पेमेंट्स करना, उनके वेजेस, उनके सैलरी, उनके जो अलाउंसेस है उनको पेमेंट करना। दोस्तों ये जो पेरोल प्रोसेस होता है इसमें किसी भी बिजनेस के दो मुख्य डिपार्टमेंट होते हैं जो इंक्लूड होते हैं। पहला होता है फाइनेंस और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा होता है एचआर डिपार्टमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये दोनों डिपार्टमेंट होते हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें पेरोल का पूरा जो प्रोसेस आता है वो इसको हैंडल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये पेरोल का मतलब क्या है किसी बिजनेस के लिए। और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।